दोस्तों ये तब की बात है जब 2005 में इंडिया के एक लीजेंड स्विट्जरलैंड गए हुए थे अपने किसी एक टूर के लिए। 26 मई 2005 को वह स्विट्जरलैंड में लैंड हुए थे और स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद उनकी याद में उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने 26 मई को साइंस डे भी डिक्लेयर कर दिया था। दोस्तों अब आप जरूर समझ चुके होंगे कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूँगा हमारे मिसाइल मैन यानी कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में। उनकी लाइफ की कुछ जर्नी और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग किस्से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस पूरे वीडियो को देखते रहिए। मैं वादा करता हूं कि आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। तो APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर शहर के एक छोटे से गाँव धनुषकोड़ी के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहाँ उनके पिता एक छोटी सी नाव की दुकान चलाया करते थे, जिससे उनके फैमिली की मुश्किल से दो वक्त की रोटी भी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत ही शौक था और गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती थी। लेकिन APJ अब्दुल कलाम जी हर सुबह स्कूल जाने से पहले डेली न्यूज़पेपर बेचा करते थे ताकि उनकी फैमिली पर उनकी पढ़ाई का कोई भी ज़्यादा प्रेशर ना आ सके। और इसके बाद देखिए, स्कूल में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स में से वो एक थे और उनका हमेशा सिर्फ एक चीज़ पर फोकस रहता था कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखा जाए, और इसलिए वो घंटों घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। ये किस्सा तब का है जब APJ अब्दुल कलाम जी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहे थे और उस वक्त वो एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखकर कॉलेज के टीचर उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम से कहा कि अगर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। ये बात सुनकर के APJ अब्दुल कलाम जी बहुत ही घबरा गए और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लिया। ये देखकर उनके टीचर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी से क्या कहा, बोला कि मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहन करने की क्षमता है या नहीं। अब कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब APJ अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उस वक्त सिर्फ 8 सीटें ही खाली थी और बदकिस्मती से उनका जो रैंक आया वो 9th रैंक आई। अब वह आर्म्ड फोर्सेस के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने DRDO ज्वाइन की, लेकिन वो DRDO में अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नया सीखने को नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई और उसके बाद उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई और उसके बाद उनका DRDO से इसरो में ट्रांसफ़र हो गया। DRDO से इसरो में उनका फिर ट्रांसफ़र हुआ। अब देखिए, इसरो में APJ अब्दुल कलाम इंडिया के पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट इनिशिएट किए। 1980 में पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुल लॉन्च करने के बाद उन्हें नासा ने जॉब ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस जॉब को ठुकरा दिया। नासा के जॉब को उन्होंने ठुकरा दिया पृथ्वी मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद। इंडियन कैबिनेट के तहत रिसर्च के लिए 3.88 बिलियन के फंड अलाउ कर दिए गए, जिसके बाद APJ अब्दुल कलाम ने उनकी टीम के साथ मिलकर के अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई बड़े बड़े मिसाइल भी लॉन्च किए। उनके लीडरशिप के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया था, जिसके बाद APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाने लगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। 2002 में APJ अब्दुल कलाम जी इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने और अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के वक्त जब वह केरला विजिट के लिए गए तब उन्होंने 2 लोगों को केरला के राजभवन में ऐसे प्रेसिडेंशियल गेस्ट इनवाइट किया था और वो 2 लोगों में से कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे बल्कि एक चपरासी था और एक छोटे से होटल का मालिक था। ऐसा ही एक किस्सा 2005 का है जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी। लगभग 10 दिन तक उनके फैमिली के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में थे और उनके जाने के बाद APJ अब्दुल कलाम जी ने 3,52,000 रुपये अपनी फैमिली के रहने का खर्च भी दिया था। तो दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आती है
जो कि हमने आपको बताई। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।